विद्यालय में लगभग 80% ऐसे विभाग हैं जहां मानकों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की। समस्या ये है कि जब तक हम लोग 3 दिन से बैठे हैं, 7 तारीख की सुबह 10 बजे से बैठे हैं, आज 11 तारीख हो गई, 11 तारीख तक अभी तक कोई नहीं। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। अभी हम खड़े हैं झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गेट के सामने। पहले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बारे में बता दें कि ये भ्रष्टाचार का भी केंद्र रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आए दिन अखबारों में छपता रहता है, आप तक भी जानकारी पहुँचती होगी। विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राएं यहाँ बैठे हैं और तमाम वो छात्र भी यहाँ हैं जिसका विद्यार्थी परिषद से कोई लेना देना नहीं है। और विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, यूं कहें कि भर्तियों को लेके या और जो दूसरी गतिविधियां उनको लेके ये छात्र छात्राएं और विद्यार्थी परिषद मिलकर ये धरने पर बैठे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जिसके कारण इन लोगों को यहाँ बैठना पड़ा है। क्या नाम है आपका? जी नमस्ते, शिवा राजी बुंदेला, प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर प्रांत। किन मुद्दों को लेके आप यहाँ पे? जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि विश्वविद्यालय एक शिक्षा का बृहद मंदिर है और इस बृहद मंदिर में हम छात्र पढ़ते हैं, हम छात्र संस्कार के लिए आते हैं, हम छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। लेकिन जब शिक्षा के मंदिर में जो शिक्षक होते हैं उनकी एक भूमिका भगवान की तरह होती है, गार्जियंस की तरह होती है, लेकिन जब वो गार्जियंस वो भगवान अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं और छात्र हितों के बजे छात्रों पर हनन करते हैं तो विद्यार्थी परिषद ऐसे कामों के लिए आगे आती है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शिक्षक भर्ती में जो अनियमितताएं हुई हैं उनके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह प्रदर्शन हो रहा है। और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग विशेष से कहना चाहते हैं कि जब तक हम लोगों की जो मांगे हैं, जो शिक्षक भर्ती है उसमें पारदर्शिता नहीं होती है, मानकों के आधार पर उनकी नियुक्ति नहीं होती है, तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय विद्यार्थी परिषद ऐसे ही प्रदर्शन करती रहेगी। कौन से ऐसे विभाग हैं जिनको आपको जानकारी मिली कि अनियमितताएं की गई भर्ती को लेकर? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन की बात करें तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में लगभग 80% ऐसे विभाग हैं जहां मानकों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई। फिर भी जैसे आप लोग धरना दे रहे हैं, आप लोगों को सबूत भी मिले होंगे, कोई जानकारियां तो सामने आएंगी, कोई चुनिंदा एक दो विभाग तो ऐसे होंगे होंगे। देखिए, हमारे पास बिना सबूत का विद्यार्थी परिषद काम नहीं करती है। शिक्षा विभाग है, मैथ विभाग है, इनमें अनियमितताएं आई है, मानकों के आधारों पर शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है। ये शिक्षकों की भर्ती को लेके ये कि और भी कोई दूसरे मुद्दे भी हैं? हाँ, देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि ये अपने स्थापना काल से छात्र हितों की लड़ाई लड़ती है और भी छात्रों की स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है वो फॉरवर्ड नहीं की गए हैं, छात्रों की जो छात्रावास है उनमें भोजन की गुणवत्ता दयनीय है, ऐसे तमाम उद्देश्य हैं, तमाम ऐसे विषय हैं जिनके लेकर विद्यार्थी परिषद धरना पर बैठी हुई है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीए शुक्ला है, महानगर मंत्री का दायित्व विद्यार्थी परिषद में। तो जैसे इन्होंने बता दिया अनियमितताएं की गई इस भर्ती को लेके, और क्या और दूसरे मुद्दे हैं और छात्रों के लेके? 7 जिलों की छात्रवृत्ति के फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किए गए, मतलब 25 की गलती मानते हैं आप? प्रशासन, बुंदेलखंड प्रशासन की गलती है। हाँ। और वो फॉर्म फॉरवर्ड करने के लिए 5,000-10,000 रुपए क्या कहते हैं दलाली लेते हैं इस चीज के लिए। ये कौन लेते हैं, बाबू है डिपार्टमेंट के? ये विभाग, ये प्रशासन जो डिपार्टमेंट है छात्रवृत्ति का, उसी में डिपार्टमेंट में लिया जाता है। और इसके अलावा छात्रवृत्ति के अलावा, छात्रवृत्ति के अलावा यहाँ पे कई अनियमितताएं हैं, जैसे कि पानी की समस्या, पानी जो पूरा विश्वविद्यालय जहाँ से पानी पीता है वहाँ की पानी की टंकी में छिपकली जाले वाले लगे हैं, फिल्टर खराब चल रहे हैं और पानी नहीं बदलवाया जाता, सारे विभागों के पानी के पीने की व्यवस्था, बाथरूमों के दरवाजे, महिला बाथरूम के दरवाजे टूटे हुए हैं, मतलब कोई हाइजीन का ख्याल नहीं है, कहने को विश्वविद्यालय इतना बड़ा है और इन लोगों ने ये सब चीज़ें फैला रखी हैं। तीसरा विषय ये है कि छात्र जो जिनकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो जब वे डिग्री लेने आते हैं तो उनको डिग्री नहीं दी जाती है, कहते हैं कि हमारे पास कागज खत्म हो गया, मतलब आप यूनिवर्सिटी चला रहे हैं आपके पास कागज नहीं है, आप उसको परेशान करने के लिए 5,000, 10,000, 500 रुपये, 1,000 रुपये के लिए छात्र को 3-3 साल 4-4 साल परेशान करते हैं, उसको डिग्री नहीं दे रहे हैं, कहाँ जाएगा वो छात्र, रोता है यहाँ पे बैठ के, उसका क्या होगा? ये अनियमितताएं अभी आई है सामने के पहले भी आ रही थी, क्योंकि क्या है कि काफी दिनों के बाद आप लोग गेट पे खड़े हुए, करीब 1 साल होने को है। सर्वप्रथम अपना परिचय दूंगा, मैं हर्ष शर्मा, इकाई अध्यक्ष बुंदेलखंड विश्वविद्यालय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।
क्योंकि सभी को मालूम है मैं 4 दिन से क्रम कंशन पर बैठे हुए हैं और मेन मुद्दे हैं कि यहाँ 2500 बार ज्ञापन दिया पर VC साहब उन ज्ञापनों पर कोई कार्रवाई करने के लिए इच्छुक नहीं थे। इन लोगों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मजबूर किया कि हम अनशन पे बैठे। क्या लगता है विश्वविद्यालय में एक सिंडिकेट काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर? कुल मिला के कुर्सी के पीछे कुछ लोग घूम रहे हैं जिनका काम ही है केवल दलाली करना। इस शिक्षा के मंदिर को इन्होंने दलाली का अड्डा बना दिया है, बाजार बना दिया है और दीमक की तरह खोखला कर दिया है पूरा विश्वविद्यालय, पूरा दीमक की तरह चाट के रख देंगे यहाँ पे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की जो जमीन है, शायद वो आपके मुद्दे का हिस्सा ना हो, हम जानना चाहेंगे कि आपको पता है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की जमीन भी क्रमवार तरीके से कब्जा होती जा रही है? कब्जा होती जा रही है SBI के बगल में ही उसके। इसके बारे में जानकारी? इसके बारे में जानकारी हमें यहाँ हमारा कि जो छात्र पढ़ते हैं, क्या है कि जो प्रशासन है वो जिम्मेदार है। यह हमारा मेन मुद्दा है, छात्रों की सुनवाई नहीं हो रही है, समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है और शिक्षक भर्ती हुई उसमें भ्रष्टाचार और धांधली हुई है, उसकी निष्पक्ष जांच के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और जो हमारी छात्रों की मांग है जो पिछले 2-4 साल से अटकी हुई है, बेसिक मांग SSW सिंगल सिस्टम विंडो, बच्चों को चक्कर लगाना पड़ता है 10-10 जगह 20-20 जगह, बाबू टहलाते हैं, गाली देते हैं, कहते हैं कि हाँ कोई नहीं करेगा काम, दबाव बनाते हैं। इसका मतलब है कि इनका हिस्सा भी शायद BC साहब के पास जाता है, क्या उनके कान में जू नहीं रहेगा 1% अभी तक उन्हें पता नहीं पड़ा। मिलने की कोशिश की अभी तक किसी ने? मिलने की कोशिश मिलने नहीं गई किसी ने, नहीं महोदय जी आई नहीं मिलने के लिए, कुलपति जी जानकारी मिलने नहीं पहुंची है, उन्होंने बुलाया नहीं। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब तक हम लोग 3 दिन से बैठे हैं, 7 तारीख की सुबह 10 बजे से बैठे हैं, आज 11 तारीख हो गई, 11 तारीख तक अभी तक कोई नहीं आया, तो अगर कोई कुलपति तक सामने नहीं आए, फोन पे बोलते हैं कि आप लोग अनशन खत्म कर दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे कब तक चलेगा? हम लोग 4 दिन से वहीं पे सो रहे हैं, जग रहे हैं, अनशन पे बैठे हैं, तब तक ये हम लोग सहन करते रहेंगे? वो विद्यार्थी यहाँ पे बेचारा परेशान है इतना, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, यूनिवर्सिटी है और उसको परेशान करते हो आप, उसको रुलाते हो, उससे 500-1000 रुपए के चक्कर में उसका साल बर्बाद करते हो, ये नहीं चल पाएगा। बाकी ये पूर्णतः आश्वासन देना चाहूंगा, यहाँ पे निष्पक्ष जांच नहीं होगी, हम लोग नहीं उठने वाले यहाँ से। जब तक आश्वासन ना दे दें आपको निष्पक्ष जांच, आप लोग यहीं बैठे रहेंगे। आपने तमाम छात्र नेताओं को सुना और उनकी यही डिमांड है, जब तक हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक वो यहीं बैठे रहेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव, धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेवाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।